आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है क्या होता है, इसमें कौन कौन से स्टेजेस जो है, कौन कौन से फेजेस होती है, कौन कौन सा हार्मोन्स जो है इट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और उसके टाइम 28 डेज में क्या क्या होता है, कौन कौन सा चेंजेस आता है यूट्रस में। यूट्रस वी ऑल नो यूट्रस में जो लेयर जो है, इनर लेयर जो है वो देयर इज नोन एज एंडोमेट्रियल वॉल जो है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस कॉन्करेंटली इन द ओवरीज एंड द यूट्रिन वॉल्स स्टिमुलेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। मतलब कि साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवरीज एंड यूट्रस में बहुत सारी चेंजेस जो है होती रहती है टाइम टू टाइम जो है। 28 डेज का जो साइकिल होता है एक महीने का, तो उसमें टाइम टू टाइम जो है चेंजेस आती रहती है। कैसे आती है, ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो है इसके वजह से जो है उस ये हॉर्मोन्स जो है यही क्या करता है, ये जो ओवरीज एंड यूट्रस में चेंजेस लाने में यही रेस्पॉन्सिबल, ये हॉर्मोन्स जो है दैट आर रेस्पॉन्सिबल। The changes in uterus takes place in the three phases during each menstruation cycle. मतलब menstruation cycle जो है उसके तीन phase है। menstruation cycle जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम्स में भी आ सकती है, और फर्दर जाके अगर आप फोर्थ ईयर में जब आपको obstetrics जो है, gynecology जो है, और जब आप पढ़ोगे तो menstruation cycle जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको आप अभी से अच्छे से समझना है ताकि आगे जाके आपको और भी ईजिली जो है समझ में आए। सो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसमें थ्री फेजेस होती है। थ्री फेजेस में सबसे पहला फेज जो है दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज प्रोलिफरेटिव फेज, और थर्ड इज सिक्रेटरी फेज। तो ये तीन जो फेजेस है इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से दिन में, कौन कौन से हॉर्मोन्स के वजह से, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं ओवरीज एंड यूट्रस में, उससे हम रिलेटेड चीज़ें हम देखते हैं। अब मेंस्ट्रुअल फेज जो है, मेंस्ट्रुअल फेज मतलब पीरियड जब स्टार्ट हो जाती है, जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं दैट इज़ द फर्स्ट डे टू द फाइव डेज। अब क्या होता है कि जब प्यूबर्टी होने के बाद जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन का हो, वो 6, 7, 8 दिन तक भी होता है जब पहला पीरियड्स होती है। तो फीमेल में जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स होता है तो वो ज़रूरी नहीं कि 5 डेज का, नॉर्मली क्या है 1 to 5 डेज का होता है, लेकिन क्या है कि 6, 7, 8 डेज का भी हो सकता है। सो इट्स नॉर्मल, तो नॉर्मली हम क्या लेंगे बट 1 to 5 डेज ही हम लोग उसको काउंट करेंगे। सो मेंस्ट्रुअल फेज जो है पीरियड होने का पहला दिन जो है उस फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। उस 5 दिन का जो फेज होता है इट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज, जब पीरियड जो है फ्लो हो रही है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज। 1 से 5 दिन का होता है ये। दिस इज द फेज ड्यूरिंग विच द ब्लीडिंग ऑकर एंड इट्स ड्यूरेशन लास्ट अबाउट फर्स्ट 4 to 5 डेज। मतलब कि इस फेज जो है इसको कौन सा फेज है, ये जब ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, दिस इज द रीजन नोन एज मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये 4-5 दिन के लिए होता है। इस ये फेज कब शुरू होता है, जब ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, और जबकि 4 से 5 दिन के लिए ये जो ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है। कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग क्यों होता है, 2 days बिफोर द आंसर ऑफ ब्लीडिंग 26 to 28 डे। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये पूरा जो साइकिल जो है वो 28 डेज का होता है। 28 डेज के बाद फिर क्या होता है, पीरियड्स होना शुरू हो जाता है 5 दिन के लिए। 5 दिन होने के बाद जब पीरियड स्टॉप हो जाएगा फिर उस दिन से फिर 28 डेज, तो ये जो है चलता रहता है। सो ये जो 26 to 28 डे के बाद ये जो फर्स्ट डे वाला जो होगा, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होने से जस्ट 2 या 3 दिन पहले क्या होता है, सडन रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम द ओवरी। मतलब कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो है ओवरी से रिलीज होना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पूरा रिडक्शन हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाती है। एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम इज अबाउट 1 mm। मतलब कि जब ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग एक बार हो जाने के बाद, ब्लीडिंग पूरा स्टॉप हो जाता है, उसके बाद एंडोमेट्रियम जो वॉल जो होती है उसका जो थिकनेस जो होती है वो हमें कितना रह जाता है, 1 mm। और अगर जब पूरा जो पीरियड्स जो है ब्लीडिंग होने से पहले कितना होता है, 5 to 6 mm होता है। नॉर्मली क्या होता है 5 to 6 mm थिकनेस होता है, लेकिन जब एक बार ब्लीडिंग हो गया, जब शेड ऑफ हो गया, तो फिर कितना रह जाएगा, 1 mm। तो 1 mm रह जाता है मेंस्ट्रुएशन फेज से। मेंस्ट्रुएशन फेज जो है कब होता है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, 1 to 5 डेज का इसका ड्यूरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज आवर
प्रोलिफेरेटिव फेस। अब ब्लीडिंग ओकर होने के बाद, अब ब्लीडिंग स्टॉप हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद कौन सा साइकिल चलता है, प्रोलिफेरेटिव फेस बोलते हैं इसको। 5 to 14 डे, पाँचवें दिन से लेके 14 जो डे है तब तक होता है ये प्रोलिफरेटिव फेज जो है। ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज द ओवरी सीक्रेट्स एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक्ट एज द एंडोमेट्रियल सेल्स। मतलब कि क्या होता है, जब ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है, ब्लीडिंग जो है जब बंद हो जाती है तब ये प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो बनना, सीक्रेट होना लग जाता है। यहाँ पे क्या हो गया था, एस्ट्रोजन जो था वहाँ पे ये रिडक्शन हो गया था, ऐसे नहीं कि पूरा स्टॉप हो गया, नो, लो हो गया, बहुत कम एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होता था जिसके वजह से ब्लीडिंग हुआ था। अब यहाँ पे क्या, एस्ट्रोजन जो है वो धीरे धीरे जो क्या है, ओवरीज जो है वो उसको सीक्रेट कर रही है। सीक्रेट करने की वजह से क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल वॉल जो है वहाँ पे वो लेयर जो है फिर से बनना, सेल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, दिस एंडोमेट्रियल सेल्स प्रोलिफरेट रैपिडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन। मतलब कि ये जो यूट्रस जो था, यहाँ पे, तो यूट्रस में ये जो लेयर जो होती है, एंडोमेट्रियल लेयर जो है ये धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। किसके वजह से बनना शुरू हो जाता है, एंडोमेट्रियल लेयर जो होती है, सेल्स जो होती है वो बनना शुरू हो जाता है एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन से सिक्रेशन के वजह से ये लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। ओके, दस द एपिथेलियम री अपेयर ऑन द सर्फेस एंड कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन टिल द एंड ऑफ द साइकिल। मतलब कि क्या है, ये साइकिल जो है जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक एस्ट्रोजन जो है वो रिलीज़ होता जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके वजह से एंडोमेट्रियम जो सेल जो होते हैं यहाँ पे वो बनता जाता है, तो एक थिकनेस जो है वहाँ पे वो मेंटेन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद न्यू ब्लड वेसल्स ऑल्सो अपीयर इन द एंडोमेट्रियम एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज। दिस एंडोमेट्रियम इज 3 to 4 mm थिकनेस। पहले क्या था, ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग पूरा हो जाता तब 1 mm होता था, 1 mm होने के बाद फिर जब यहाँ पे सिक्रेशन एस्ट्रोजन का शुरू हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे क्या है, उसके सेल्स जो है बढ़ता जाता है, नया ब्लड वेसल्स जो है, नया ब्लड वेसल्स यहाँ पे बनने शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब ये साइकिल जो है, ये जो फेज जो है, जब इसका एंड हो जाता है, दैट इज़ 14 डे तक क्या होता है, यहाँ पे इसका थिकनेस जो है, ये जो थिकनेस जो है एंडोमेट्रियल का थिकनेस जो है, इट इज़ 3 to 4 mm ठीक होता है। ओके, ये हो गया प्रोलिफरेटिव फेज। उसके बाद आता है क्या, सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज जो है वो 15 to 28 डे का होता है, 15वां दिन जो है वहाँ से लेके 28 डे जो है उसके बीच में होता है सेक्रेटरी फेज। इसमें क्या होता है, एक बार ओवुलेशन हो गया, एक बार आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटम इज़ डेवलप इन द ओवरी। मैंने बताया था इससे पहले जो क्लासेस है उसमें मैंने आपको बताया था, ग्राफिन फॉलिकल्स जो है इतना मेच्योर हो जाता है कि ग्राफिन फॉलिकल्स जो है वो रप्चर हो जाता है, वो फट जाती है। फट जाने के बाद जो है ओवम जो है वहाँ से, ओवर जो है वहाँ से निकल जाती है, तो दैट इज़ नोन एज ओव्यूलेशन। तो एक बार निकल जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम जो है वो बनती है, मैंने आपको बताया था। तो कॉर्पस ल्यूटम जो है वो क्या करते हैं, सिक्रेट करता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, ये कॉर्पस ल्यूटम। एक बार ओवर ये जो ओव्यूलेशन जब हो जाता है, जब एग जो है जब रिलीज हो जाता है, रिलीज हो जाने के बाद वहाँ पे कॉर्पस ल्यूटम बनता है। उस जगह पे कॉर्पस ल्यूटम से क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो वहाँ से सिक्रेट हो रही है और बहुत कम एस्ट्रोजन जो है वहाँ से सीक्रेट होता है। एस्ट्रोजन कॉजेस प्रोलिफरेटिव एनलार्जमेंट ऑफ द एंडोमेट्रियम। उसके बाद हमें यहाँ पे हमने पढ़ा था एस्ट्रोजन के वजह से ही ये जो यहाँ पे जो लेयर जो है वो थिकनेस जो है यहाँ पे हो रहा है। ओके, एट द एंड ऑफ द सेक्रेटरी फेज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज 5 to 6 mm। मतलब कि जब कॉर्पस ल्यूटम बन जाती है, प्रोजेस्टेरोन वहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाता है, तो एट लास्ट ये जो थिकनेस जो होता था ब्लीडिंग के बाद 1 mm हो गया था। प्रोलिफरेटिव फेस मतलब सेल्स बनने लग गए, नए ब्लड वेसल्स बनने लगे, तो इसका थिकनेस जो है 3 to 4 mm हो गया। अब जब सेक्रेटरी फेस जो है प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटम वगैरह सब कुछ बन गया, तो उसके वजह से कितना हो गया, उसका थिकनेस 5 to 6 mm, 5 to 6 mm इन हेयर एंड 3 to 4 mm इन हेयर। तो इफ अ फर्टिलाइज, तो उसके बाद क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटम बन गया, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होने लग गया, ओव्यूलेशन हो गया, एग जो है वहाँ से निकल गया। अब एग जो है, अब वहाँ पे क्या होता है, अगर स्पर्म जो है एग के साथ नहीं मिलता है तो क्या होता है,
इफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड ड्यूरिंग दिस फेज द मेंस्ट्रुएशन डस नॉट अपियर। मतलब कि जब एग जो है, जहाँ पे एग और स्पर्म जो है अगर मिल जाते हैं, उसके बाद जो है इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, तो फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो टेक प्लेस नहीं होगा। क्यों टेक प्लेस नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन जो है वो तो सिक्रेट होगा ही होगा, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट होगा बहुत मात्रा में ओवरीज से, जिसके वजह से क्या है, ये जो शेड हो रहा है यहाँ पे, जो लेयर जो शेड हो रहा है, ब्लीडिंग जो होती है वो नहीं होगा, बिकॉज ये जितने भी हॉर्मोन्स जो है वो सिक्रेट होने के वजह से। सो जब फर्टिलाइज हो जाएगा, जब ओवम एंड स्पर्म जो है, ओवम एंड स्पर्म जो है जो फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाने के बाद अगर हो गया, तो फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड जो है वो नहीं होगा। तभी बोलते हैं, जब फीमेल जो है प्रेग्नेंट जब होते हैं, तभी बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है अगर एक महीना स्किप कर देता है, नेक्स्ट साइकिल जो है अगर वो टाइम जो है वो स्किप कर देता है, देयर इज़ अ चांस दैट द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट। सो इफ द ओवम इज़ फर्टिलाइज, नो मेंस्ट्रुएशन। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स आफ्टर दिस फेज एंड अ न्यू साइकिल स्टार्ट। मतलब कि अगर ओव्यूलेशन हो जाने के बाद स्पर्म और एग जो है वो नहीं मिलता है, अगर वो नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा, वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है, फिर वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बहुत सारा एस्ट्रोजन जो है धीरे धीरे, जैसे जैसे ओवम जो है, अगला जो एग जो है वो धीरे धीरे मच्योर होने लग जाएगा। धीरे धीरे मच्योर हो गया और उसके बाद जैसा ओव्यूलेशन के बाद निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एस्ट्रोजन जो है वो इसका सीक्रेशन बहुत कम होने लग गया। बहुत कम होने की वजह से क्या होता है, ये जो लेयर जो है फिर से ये शेड ऑफ होने लग जाता है, फिर से वो फेज स्टार्ट हो जाए, फिर मेंस्ट्रुएशन फेज जो है फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो ये जो है वो सारे हॉर्मोन्स के वजह से होता है। ये हॉर्मोन्स जो है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स हो गया, उसके बाद LH वगैरह हो गया, इससे पहले मैंने जो क्लासेस लिए थे उसमें आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह जो है, हाइपोथैलेमस जो है, वहाँ से कौन कौन सा हॉर्मोन्स निकल रही है, कौन कौन सा हॉर्मोन्स जो है किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सब जो है आप एक बार फिर से गो थ्रू करके देख लेना। ये है पूरा आपका, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आज का जो क्लास है आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।